सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूज माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ पांच ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि कुछ आपको यहाँ पर 6,999 रुपए की प्राइस रेंज में यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और इन सभी स्मार्टफोन में, पाँच के पाँचों स्मार्टफोन में, आपको यहाँ पर 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो अगर आपका भी बजट यहाँ पर 7,000 रुपये है और अगर आप यहाँ पर एक ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिले, तो ये पाँचों स्मार्टफोन में से आप कोई भी स्मार्टफोन यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करता हूँ यहाँ पर लास्ट स्मार्टफोन की और अगर बात करता हूँ यहाँ पर पांचवें स्मार्टफोन की, तो पांचवें नंबर पे हमारा जो स्मार्टफोन आता है वो है यहाँ पर पैनासोनिक का। और ये स्मार्टफोन है पैनासोनिक इल्यूगा रे मैक्स। इस स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात करता हूँ यहाँ पर इस स्मार्टफोन की और भी डिटेल की, तो यहाँ पर आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 430 का जो प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको 3000 mAh की जो बैटरी है वो देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर आपको 16 MP सिंगल रियर कैमरा और 8 MP का जो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अगर बात करता हूं यहां पर चौथे नंबर वाले स्मार्टफोन की, तो यहां पर जो चौथे नंबर पे स्मार्टफोन आता है वो है यहां पर जियोनी का और ये है जियोनी S10 Lite। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन में भी आपको यहां पर 4 GB रैम देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ साथ यहां पर आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 427 का जो प्रोसेसर है वो इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाता है। 3100 mAh की जो बैटरी है वो आपको इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये भी अच्छे स्मार्टफोन है, आप जाकर यहां पर चेक कर सकते हैं। अगर बात करता हूं यहां पर तीसरे नंबर वाले स्मार्टफोन की, तो तीसरे नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है वो फिर से यहां पर पैनासोनिक का है। और ये स्मार्टफोन है यहाँ पर पैनासोनिक इल्यूगा रे 800। इस स्मार्टफोन में भी आपको यहाँ पर 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है। 4000 mAh की बैटरी है, 13+13 MP का डुअल रियर कैमरा है, 8 MP का फ्रंट कैमरा को इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करता हूं यहां पर दूसरे नंबर वाले स्मार्टफोन की, तो हमारे दूसरे नंबर पर स्मार्टफोन आता है वो है यहां पर रेडमी का। और ये स्मार्टफोन इसी साल यहां पर रेडमी की तरफ से लॉन्च किया गया है। अगर बात करता हूं यहां पर इस स्मार्टफोन की, तो ये स्मार्टफोन है रेडमी का 8। इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो फिलहाल यहां पर लगभग 7,400 रुपए के आसपास है। यहां पर अगर बात करता हूं यहां पर इस स्मार्टफोन की कुछ डिटेल की, तो 4 GB की रैम आपको 64 GB स्टोरेज इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ साथ यहां पर आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन वाला जो डिस्प्ले है वो यहां पर देखने के मिल जाता है। 12+2 MP का डुअल रियर कैमरा है, 8 MP का फ्रंट कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है वो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ साथ यहां पर आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 439 का जो प्रोसेसर है वो इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये काफी अच्छे स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज में, अगर आप यहां पर लेना चाहते हैं तो आप जाकर के ले सकते हैं। अगर बात करता हूं यहां पर अपने पहले स्मार्टफोन की, तो हमारे जो पहले नंबर पर स्मार्टफोन आता है वो है यहां पर इन्फिनिक्स का। ये स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का हॉट 8। इस स्मार्टफोन में यहां पर आपको मीडियाटेक का हेलियो P22 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। 4 GB की रैम है, 64 GB स्टोरेज है, 5000 mAh की बैटरी है, 13+2 MP का डुअल रियर कैमरा है, 8 MP का फ्रंट कैमरा आपको इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये एक बेस्ट स्मार्टफोन है यहाँ पर 7,000 रुपए की प्राइस में, जिसमें आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज है। तो दोस्तों, ये तो कुछ पांच स्मार्टफोन जो कि कुछ आपको 7,000 रुपए की प्राइस में यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आप यहाँ पर इनमें से कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो जाकर के यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों, ये था कुछ इस वीडियो में, आशा करता हूँ छोटी जानकारी उस समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट से जो कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब पर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।